पिछले दिनों मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से और जिसमें मेरी हत्या करने की धमकी दी गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको ये धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें हत्या करने की धमकी दी गई है। जांच के लिए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को पत्र और लिफाफा दोनों भेज दिया गया है। चंबा सोम द्वारा स्पीड पोस्ट से प्राप्त धमकी भरे पत्र में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता हूं। ममता बनर्जी भारत की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तुम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पालतू कुत्ते हो। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं आपकी हत्या कर दूंगा। इस पत्र में चंपा सोम ने अपना मोबाइल नंबर भी डाल रखा है। ये पत्र राजेंद्र नगर स्थित उनके निजी आवास के पते पर प्राप्त हुआ है। सुशील मोदी ने पत्र सहित लिफाफा पटना के एसएसपी को प्रेषित कर आग्रह किया है कि इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से और जिसमें मेरी हत्या करने की धमकी दी गई है। और जिस पत्र में ये कहा गया है कि मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मैं टीएमसी का नेता हूँ, ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पालतू कुत्ते हैं और नीतीश कुमार ममता बनर्जी जिंदाबाद, आपकी हत्या कर दी जाएगी। और पत्र लिखने वाले ने अपना नाम बकायदा चंपा सोम ब्रैकेट में सोमा और अपना मोबाइल नंबर भी दिया है 7501622019। और ये पत्र मेरा जो निजी आवास है उस पते पर ये पत्र प्राप्त हुआ है और ये पत्र की ये प्रति है जो धमकी भरा पत्र मुझे मिला है। और आज इस पत्र को मैंने पटना की सीनियर एसपी को व्हाट्सएप कर दिया, उनसे फ़ोन पर भी बातचीत हुई है और मैंने कहा कि इस पूरे मामले की और तहकीकात की जाए। और पत्र भेजने वाले की इतनी हिम्मत है कि उसने बाकायदा अपना मोबाइल नंबर और स्पीड पोस्ट और जिस पते से पत्र आया है वो सारा पता भी दिया है। तो इसलिए केवल अग्रसर कार्रवाई के लिए मैंने पटना के सीनियर एसपी को सूचित कर दिया है और उनके सारी चीजें व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने भेज दिया है। स्पीड पोस्ट में अंग्रेजी में लिखा ये पत्र जिस पते से भेजा गया है वो आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार यानी 19 सितंबर को ही बीजेपी सांसद को ये धमकी भरा पत्र मिला था, लेकिन उन्होंने मंगलवार को इसे सार्वजनिक किया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइट लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।